सोलन के चुनावों में अल्पसंख्यकों की अहम भूमिका रहती है, लेकिन सोलन के अल्पसंख्यक प्रदेश के सभी सरकारों से खफा दिखे। उनकी माने तो प्रदेश में वे अपने आप को एकाकी महसूस करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माइनॉरिटी की मांग को हमेशा दरकिनार किया जाता है। प्रदेश में उनके लिए आरंभ की गई योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए प्रदेश में माइनॉरिटीज की दशा जस की तस बनी है। अल्पसंख्यकों का कहना है कि इस बार वे ऐसे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे जो इनकी समस्याओं को हल करे और इन्हें भी एक अच्छा जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनकी और कोई भी राजनीतिक दल ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए वे चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो अल्पसंख्यकों को हित में काम करे और उनका ख्याल रखे तथा उनके उत्थान के लिए योजनाएं तैयार करे। और हम ऐसा नुमाइंदा चुनना चाहते हैं कि जो जात पात ना देखते हर एक की सपोर्ट करे और हर एक का जो हक है उसको दे। और खास करके ये है कि जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, मेजोरिटी है, उनके लिए बहुत सी एड आती है या सपोर्ट आती है, तो हमें नहीं दी जाती, ना हमें उसकी जानकारी है। लेकिन वो वादे तो करते हैं, हम आपको देंगे और आपकी सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चों को जॉब दिलाएंगे। लेकिन क्या है, कोई बात नहीं, आके पूछता नहीं है। और उल्टा है कि जब हम हिन्दुस्तान में रह रहे हैं या हिमाचल में रह रहे हैं तो हमारे जो लोगों को सताया जाता है। और कई जगहों में जो है हिमाचल में मार कुटाई हुई और बहुत से लोग आकर अटैक करते हैं और हमें सताया हुआ है यहाँ पर, तो हमें देखा जाए। और जो नौजवान बच्चे जो हैं, लड़की हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको जो है जॉब, जो भी कैंडिडेट जीते यहां से, हम ये सोचते हैं कि उसको कम से कम जो सिख माइनॉरिटी है, सिख को ध्यान में रखकर वो ऐसा कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे हमारा नौजवान, हमारे सिख नौजवान जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरफ न जाकर उनको रोजगार के अवसर मिले, उनको फाइनेंशियली कोई सरकार ऐसी सहायता करे, लोन की सहायता करे, जिससे रोजगार करें और अपने काम में व्यस्त रहे। ऐसे कोई कैंडिडेट आना चाहिए जो हम जो अल्पसंख्यक है यहाँ पे सिख समुदाय के लोग जो है उनकी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए और उनके साथ सहयोग करें, तो ऐसे कैंडिडेट हम चाहते हैं। हमारे कई ऐसे लोग भी हैं जो बेरोजगार भी हैं, उनको रोजगार भी की भी हम आशा रखते हैं कि उनको रोजगार मिले। जो मुस्लिम समुदाय का जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारों में बहुत कम है। मैं देख रहा हूँ आज तक मैंने कोई हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम एमएलए नहीं देखा। कोई भी सरकार ये गवारा नहीं करती है कि कोई किसी मुस्लिम नेता, मुस्लिम आदमी को जो है टिकट दिया जाए। और थोड़ा ग्रेवियार्ड की जो है प्रॉब्लम है मुस्लिम्स को सारे इसमें हिमाचल में। और भी मैं ये चाहूंगा कि मुस्लिम की जो इंस्ट्रक्शन आती हैं सेंटर से, फैसिलिटीज पॉलिसीज बनती हैं, स्कीम्स बनती हैं, वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती है।